बिलासपुर के खेरिया डंपिंग साइट पर तीन पंचायत के पदाधिकारियों और ग्रामीणों ने कूड़ा उतारने नहीं दिया, जिसके चलते शहर में नप की कूड़े से भरी गाड़ी ज्यों की त्यों ही दरी रह गई। वहीं हफ्ते के छठे दिन भी लोगों के घरों से कूड़ा नहीं उठाया गया, जिससे कि शहर में बीमारियां फैलने का खतरा बढ़ गया है। लोगों ने डंपिंग साइट पर जमकर जिला प्रशासन और नगर परिषद के खिलाफ नारेबाजी भी की। बिलासपुर की खेरिया डंपिंग साइट पर तीन पंचायत के पदाधिकारियों और ग्रामीणों ने कूड़ा उतारने नहीं दिया, जिसके तहत शहर में नप की कूड़े से भरी गाड़ियां ज्यों की त्यों ही धरी रह गई। वहीं हफ्ते के छठे दिन भी लोगों के घरों से कूड़ा नहीं उठा, जिससे कि शहर में बीमारियां फैलने का खतरा बढ़ गया है। लोगों ने डंपिंग साइट पर जमकर जिला प्रशासन और नगर परिषद के खिलाफ नारेबाजी भी की। उल्लेखनीय है कि खैरिया बामटा और बल बुलवाना पंचायत के प्रतिनिधियों और लोगों का आरोप है कि खैरिया डंपिंग साइट पर कूड़े के साथ पशुओं को भी जलाया जा रहा है। वहीं इस कूड़े को गोविंद सागर झील में भी फेंका जा रहा है, जिसके कारण आसपास का वातावरण तो दूषित हो रहा है, लेकिन बिलासपुर और पंजाब के लोगों को दूषित पानी भी पिलाया जा रहा है, जो कि लोगों के स्वास्थ्य के साथ सीधे सीधे खिलवाड़ है। वहीं बामटा पंचायत की प्रधान सीमा चंदेल ने नप पर आरोप लगाया है कि नप डंपिंग साइट पर गौओं को जलाया जा रहा है। उन्होंने कहा कि 2 साल पहले इस डंपिंग साइट को बदलने की बात प्रशासन की तरफ से कही गई थी, लेकिन आज तक इसको नहीं बदला गया। उन्होंने कहा कि नगर परिषद ने पुलिस की सहायता से साइट का ताला तोड़ा। उन्होंने कहा कि ग्रामीण इस डंपिंग साइट पर कूड़ा उतने नहीं देंगे, चाहे उन्हें आंदोलन करना पड़े, इसलिए नप कूड़ा डंप करने के लिए अन्य स्थान का प्रावधान करे। गाँव वासियों ने सब ने इकट्ठे होकर यहाँ पे ताला लगा दिया था, क्योंकि सर यहाँ पे गौएं जला रही थी और कूड़े को सारा इकट्ठा करके यहाँ पे जितने भी कूड़े को आग लगा दी जा रही थी। तो सर कल क्या किया, सचड़े को कमेटी के अध्यक्ष जी आए और साथ में उनके साथ पुलिस वाले आए और उन्होंने जोर जबरदस्ती क्या किया, यहाँ पे आके ताला तोड़ा और ताला तोड़ के चले गए। आज से 2 साल पहले हमारा प्रशासन के साथ पहले भी ये आग्रह हुआ था और उस टाइम हमारे साथ हरीश गज्जू जी एसटीएम थे और उन्होंने हमें आश्वासन भी दिया था और हमारे साथ कमिटमेंट किया था कि हम 6 महीने के अंदर इस कूड़े को रिसाइकल करके अलग अलग करके और हम इस जमीन को यहाँ से चेंज कर देंगे। और उस टाइम भाटिया विवेक भाटिया जी थे तो भाटिया सर ने बोला था कि यहाँ के से जमीन जो है स्थानांतरण कर दी गई है और कहीं वहाँ पे घुमारमी का और बिलासपुर का कूड़ा इकट्ठा फेंकेंगे। हम उस बात को देखते देखते सर आज हमारे पास 2 साल हो गए, 2 साल में हमें कोई फायदा कहीं से कोई आश्वासन नहीं मिला। जब हम किसी के पास जाते हैं, आज की डेट में हमारे पास डीसी साहब राजेश्वर गोयल जी है, कल उनके पास गए तो बोलते जी पिछले डीसी ने क्या किया हमें नहीं पता, उससे पीछे कौन था हमें नहीं पता। लेकिन सर हम प्रशासन के आगे यही बोल रहे हैं कि हम गांव वालों के तीन पंचायतों के लोगों को ये हमारी समस्या का समाधान किया जाए और तीनों पंचायतों के लोग आज सारे लोग हजारों में इकट्ठे हो गए हैं और ये लोग सब इकट्ठे होके बोल रहे हैं कि हमें यहाँ पे कूड़ा फेंकने नहीं देंगे। इस कूड़े का प्रशासन कहीं निवारण करे। और मैडम उर्वशी वालिया जी बोल रही हैं कि हम 3 साल से यहाँ पे खाद बना रहे हैं, हमें प्रशासन बताया कि यहाँ पे कब खाद बना रहे हैं और कहाँ उस खाद को दे रहे हैं। यहाँ पे कहीं भी रिसाइकल मशीन अगर आपको कहीं दिख रही है तो आप हमें बता सकते हैं, कोई भी रिसाइकल मशीन नहीं दे रहे हैं। आज से 3 दिन पहले भी मुझे इनके डायरेक्टर राम कुमार गौतम जी समस्या क्या रही।